वो हमें लगता है कि कहीं सुनसान एरिया पर है, सुनसान एरिया था। यहाँ से जबरदस्त थे, देखो यहाँ से अभी भी ये ऑर्चर्ड सी है, नहीं बनने लगी है। मुझे ही बताया कि मेरे उब्बू ने क्या किया और ये मकान बनाया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखें। सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वानी टॉक्स। करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। सो अभी मैं पहुंचा मकान पर, यहाँ से मैं पहले चाबी लाऊंगा। चाबी हम जो है ना वो यहीं रखते हैं, मतलब इन्होंने ली होगी शायद, इनको पानी वानी की जरूरत पड़ती है। तो पहुंचे हम अपने मकान पे, चाबी भी मैंने लाई, तो अभी ना गेट खोलते हैं। देखो यहाँ से क्या क्या है, ड्रेन भी कंप्लीट हो गई वहाँ तक, वहाँ तक। सो गाइस देखो मकान यहाँ से लग रहा है ना ज़बरदस्त ओजी। तो अभी हम ऊपर जाते हैं टॉप फ्लोर पर। अभी आपको मालूम है कि ड्रेन का काम हो गया कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब कल जो है ना वो हम ब्रिज बनाते हैं और फिर इंशाल्लाह दो तीन दिन के बाद मैटिंग लाते हैं और मैटिंग के बाद पता ही है कि घर में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी ना अभी मुझे ऊपर जो है ना वो नज़र मारनी है, तो पहले मैं ऊपर जाता हूँ मकान के ऊपर। अभी मकान के आगे जो मतलब साइट है ना, ये ब्रांड जिसको बोलते हैं, इसमें हमने अभी टाइल्स नहीं लगवाए। मैं तो बोल रहा हूँ मार्बल लगवाएंगे, लेकिन घर वाले बोल रहे हैं टाइल्स लगवाएंगे, क्योंकि हम सोच रहे थे कि जब हम एक बार शिफ्ट हो जाएंगे इस मकान में उसके बाद ये टाइल्स का काम करेंगे और यहाँ से पास भी डलवाएंगे। लेकिन देखते हैं मुंश ने शिफ्ट साइड काम हो वो भी अलहमदिल्ला हो गया ख़त्म। इनशाला कल हम जो है ना वो वहाँ से ब्रिज बनाएंगे, ड्रेन का काम ख़त्म हुआ। तो अभी हम मकान के अंदर आ गए और मुझे जो है ना वो ऊपर जाना है, वहाँ थोड़ा बहुत चेकिंग करनी है। मकान की लाइटें जो है ना वो ऑन रह गई थी तो वो कट कर दिया मैंने। ये अब्बू ने बोला था बाकी देखो यार यहाँ से क्या लुक है, एकदम बढ़िया है ना। तो पहले हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जो है ना हम देख के आते हैं, चेक करके आते हैं, क्योंकि कुछ होता है ना। तो दैट्स मुझे अम्मी ने बोला कि जब वहाँ जाओगे तो ऊपर ज़रूर चेक करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो अजान, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ से ये बेचारे काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। देखो यहाँ से सनसेट जो है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी तो सनसेट नहीं हो रहा है, लेकिन जब होगा ना तो एकदम क्लासिक शॉट निकल के आता है, मतलब क्लासिक व्यू निकल के आता है। हाँ मुझे काम था कुछ। एक्चुअली मैं यहाँ क्यों आया, क्योंकि यहाँ जो है ना वो लीकेज था, तो अम्मी ने बोला वहाँ देखना कि उसको लीकेज फिर से मत है। तो अब जो है ना नहीं है इसमें लीकेज। क्या होता है कि जब हम नए घर में जाते हो ना तो ये सब पहले चेक करके जाना पड़ता है कि सॉरी सर ठीक है एक्सेट्रा, ये ज़रूरी है। जो मेरा पिछला व्लॉग था, बैक व्लॉग था, उसमें मुझे बहुत सारे लोगों ने जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझे बोला था कि आपका जो मकान है, आप जहां मकान बना रहे हो वो हमें लगता है कि कहीं सुनसान एरिया पर है, क्योंकि वहां आसपास कोई मकान नहीं है। अभी आपने सिनेमैटिक्स में देखा कि यहाँ मकान है। और एक इंटरेस्टिंग बात बता दूँ, वो ये है कि जो ये वाला साइड है ना, इस साइड ये इधर से फुल यहाँ तक, यहाँ से जो ना सिर्फ ऑर्चर्ड्स हुआ करते थे, सिर्फ ऑर्चर्ड्स। मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटा बच्चा था, यहाँ से जो सड़क थी ना, अभी मैं दिखा रहा हूँ जहाँ से ड्रेन निकल रही है इस साइड से, ये वाला साइड जो ना टोटली छोटा था, बहुत छोटा था। ये मकान तो दूर की बात है, यहाँ नहीं थे। देखो यहाँ से अभी भी ये ऑर्चर्ड सी है। तो यहाँ अब मकान जो है ना वो बनने लगे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में यहाँ से जो है ना वो पूरी बस्ती होगी और ये ऑर्चर्ड्स बहुत कम हो गए, बिकॉज दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ती जाती है और लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते ही जाते हैं। ये लॉ ऑफ नेचर है, क्या ही करें इस चीज़ को। लेकिन यहाँ से आज से 10 साल पहले कोई नहीं था, ऐसे मकान नहीं थे, सिर्फ सुनसान एरिया था। लेकिन आज देखो 10 साल बाद
क्या है। देखो यहाँ से बहुत सारे मकान भी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वहाँ, वहाँ से और दो बनने जा रहे हैं, वहाँ से भी इंशाल्लाह मार्च में एक और बंदा बनाएगा, यहाँ भी एक और बंदा बनाएगा, वहाँ भी एक और बंदा बनाएगा, और वहाँ से देखो क्या मकान है। तो हम जो है ना वो सुनसान एरिया में नहीं है, अलबत्त ये है कि यहाँ से पहले सिर्फ बगीचे हुआ करते थे, ऑर्चिड्स हुआ करते थे, अब यहाँ से क्या मतलब कॉलोनी बनने लगी है, नई कॉलोनी। हाँ जी, तो चेकिंग हो गई कंप्लीट, मुझे यहाँ से बंद करना है भाई, वो गए यहाँ से भी बंद। तो अभी ना हम नीचे जाते हैं, यहाँ थोड़ा बहुत काम था वो भी हो गया, निपटा लिया, लाइट्स ऑन थी वो लाइट्स बंद की मैंने, और व्यू देखो यार एकदम बढ़िया, यहाँ से जबरदस्त माशाल्लाह। और यहीं बैठ के हम जो ना आपको एक बात बताएंगे, वो बात ये है, पहले मैं नीचे बैठता हूँ, वो बात ये है कि बहुत सारे लोग जो मेरे चाहते हैं वो मुझे बोलते हैं कि आपको इतना टाइम हुआ, आप कब जाओगे मकान में, कब जाओगे मकान में। तो मुझे लगता है कि अल्लाह के फजल करम से, पहले माशाल्लाह कहो, अल्लाह के फजल करम से जो ना वो हमको ऑलमोस्ट एक हफ्ता या डेढ़ हफ्ता लगेगा, मतलब सपोज 2 वीक्स लगेंगे, और उसके बाद हम अपने इस मकान में जो ना शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन ये मुझे ही बताया कि मेरे अब्बू ने क्या किया और ये मकान बनाया, मेरे बड़े भाई ने रियली। मेरी दुआ है जो मेरी फैमिली है उनको हर परेशानी दूर हो, और आप लोगों के भी घर में भी परेशानी दूर हो, और ऐसे ही एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कभी खुशी कभी गम होकर जो ना वो एक दूसरे के साथ निभा कर आगे बढ़ें। इसके साथ मैं ये कहूँगा कि मुझे अपनी नमाज पढ़नी है, बिकॉज असर का टाइम आया है, और ये ब्लॉग के जरिए अब एंड करते हैं। खुश रिज्यू, खुशहाल रिज्यू, कश्मीर ऑलवेज जिंदाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह।